दोस्तों, अगर आप भी भारत और श्रीलंका को बेहतरीन T20 टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बांग्लादेश के खिलाफ रोमांचक जीत के बाद रो पड़े बांग्लादेशी फैंस, तो वहीं श्रीलंका ने कर दिया ऐसा कारनामा जिसको देखकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार श्रीलंका ने मुकाबला जीतने के बाद क्या कारनामा किया, जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि शाकिब अल हसन, दासून शनाका और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतर ऑलराउंडर? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका ने ग्रुप बी के आखिरी मैच में बांग्लादेश को 2 विकेट से हरा दिया, जहां आपको बता दें कि दोस्तों टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवा कर 183 रन बनाए, जहां बांग्लादेश की ओर से सबसे ज्यादा रन अफीफ हुसैन ने बनाए और उन्होंने 39 रन की पारी खेली और इसके जवाब में श्रीलंका ने 19.2 ओवर में 8 विकेट गंवा कर लक्ष्य हासिल कर लिया और श्रीलंका के लिए कुसाल मेंडिस ने 37 गेंदों में 60 रनों की पारी खेली, तो वहीं कप्तान दासून शनाका ने 33 गेंदों में 45 रन बनाए और वहीं इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया, तो वहीं बांग्लादेश की टीम एशिया कप से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई और अब सुपर 4 की 3 टीमें मिल चुकी हैं, जहां श्रीलंका से पहले ग्रुप ए से भारत क्वालिफाई कर चुका है, तो वहीं ग्रुप बी से दोनों टीमें मिल चुकी हैं, जहां अफगानिस्तान और श्रीलंका ने ग्रुप बी से सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया है। अब हांगकांग पाकिस्तान के बीच एक और नॉकआउट मुकाबला होगा जिसमें पता चल जाएगा कि चौथी टीम कौन सी होगी और इस शानदार जीत के बाद पूरे क्रिकेट ग्राउंड में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला तो सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आया, लेकिन उसके बाद जब बांग्लादेश का मुकाबला खेला गया तो उसमें भी दर्शकों का भरपूर प्यार देखने को मिला, लेकिन इस मुकाबले में श्रीलंका और बांग्लादेश के सपोर्टर ने पूरे स्टेडियम में तहलका मचा के रख दिया। जहां मुकाबला उतार चढ़ाव वाला रहा तो दर्शकों का रोमांच सातवें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन यहां पर श्रीलंका की जीत के बाद बांग्लादेशी दर्शकों के चेहरे पर मायूसी साफ तरीके से दिखाई दे रही थी, क्योंकि बांग्लादेशी टीम का बेहतर प्रदर्शन पिछले मुकाबले में देखने को मिला था, लेकिन पिछले मुकाबले में उन्हें जीत नहीं मिली थी। ऐसे में जहाँ पर उनसे शानदार जीत मिलने की उम्मीद की गई थी, हालांकि यहाँ भी ये सपना अधूरा रह गया और श्रीलंका ने बाजी मार ली और जिसके बाद बांग्लादेशी दर्शक रोने लगे, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और बांग्लादेशी दर्शक ही नहीं साथ ही साथ बांग्लादेश के खिलाड़ियों के चेहरे पर भी अलग ही मायूसी छा गई। लेकिन इसी बीच श्रीलंका की टीम ने कुछ ऐसा कर दिया जिसको देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, श्रीलंका की टीम ने जीत के बाद ऐसा जश्न मनाया जिसको देखकर पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मच गया, जहां श्रीलंका की टीम के कोच और ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी खिलाड़ी काफी ज्यादा खुश होकर जीत का जश्न मना रहे थे, तो वहीं बल्लेबाजों ने जीत का जश्न मनाया। लेकिन इसी बीच ड्रेसिंग रूम में बैठे कुछ खिलाड़ियों ने बांग्लादेश की टीम की हार को देखते हुए नागिन डांस किया, जो बांग्लादेश में काफी ज्यादा प्रचलित है, और ऐसा करता देख पूरे क्रिकेट ग्राउंड में शोर मच गया, जहां बांग्लादेश की टीम के सपोर्टर के सामने श्रीलंका की टीम हावी हो गई थी और श्रीलंका ने नागिन डांस कर सभी को दिखा दिया कि उनके लिए इस मुकाबले में जीत कितनी इम्पोर्टेंट थी। और आपको बता दें कि बांग्लादेश की टीम हर मुकाबले में जीतने के बाद नागिन डांस करती है, जहां पर एक बार फिर से भारत के खिलाफ अंडर-19 कप के फाइनल में भारत को हराने के बाद नागिन डांस को लेकर बहुत ही ज्यादा विवाद भी हुआ था। हालांकि इस मुकाबले में कोई विवाद देखने को तो नहीं मिला, लेकिन दर्शकों और खिलाड़ियों का रोमांच अलग ही सीमा पर पहुंच गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि श्रीलंका की टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।